वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मेरे सामने ये 9216C है सेड, और मेरे पास ये कनेक्टर है। तो जब हम सेट नया लगाते हैं तो लगाते समय हमें वायरिंग का समझ में नहीं आता कि वायरिंग कैसे कैसे करनी है और क्या प्रोसेस होता है और कौन सी वायर कहाँ लगती है। तो एक ये मेरे पास विदाउट कनेक्टर वायर है, ये विदाउट कनेक्टर वायर है मेरे पास। मैं इसमें आपको वायर दिखाता हूँ। इसमें मैं एक एक करके वायर बताता हूँ आपकी कौन कौन सी वायर होती है। ये ग्राउंड की वायर होती है, 12 वोल्ट की जो ग्राउंड होती है उसकी वायर है ये। और ये ACC की वायर होती है, ये पीली वाली, और ये रेड वाली भी होती है ACC की वायर। ये 12 वोल्ट की सप्लाई होती है और ये ग्राउंड की 12 वोल्ट होती है। बट ये जो वायर होती है, अगर ये कनेक्ट नहीं होगा तो आपकी, जैसे आप गाड़ी में चाबी लगाते हैं, चाबी लगाते समय आपकी स्क्रीन ऑन हो जाती है और ऑफ़ हो जाती है और डेट एंड टाइम सेट नहीं करना पड़ता बार बार, तो उसी की वजह से होती है ये आपकी। ये जो येलो कलर की वायर है, इसको ACC वायर कहते हैं। ये भी ACC वायर होती है, बट दोनों का अलग अलग काम होता है। ये डायरेक्ट होता है, ये इनडायरेक्ट होता है। अब हम आते हैं स्पीकर की वायर की, स्पीकर की वायर कौन कौन सी होती है। तो ये जो दो आपको वाइट कलर की वायर दिख रही है, ये स्पीकर की वायर होती है, जो फ्रंट स्पीकर हम कह सकते हैं, जो कि मतलब कि आपको सही प्रॉपर सप्लाई इस पर मिल जाएगी। और ये दो ग्रे कलर की जो वायर है, ये भी इसकी स्पीकर की वायर होती है। और ये दो, ये जो दिख रहा है आपको ब्लू कलर की वायर, ये भी स्पीकर की वायर है। एंड ये दो जो ग्रीन दिख रही है आपको, ये भी स्पीकर की वायर है। तो ये दोनों जो होती है आपके, ये दोनों जो होता है ये आपका फ्रंट स्पीकर का होता है, और ये दोनों स्पीकर होता है आपके बैक स्पीकर का, लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट एंड राइट। अब मैंने आपको ये सारे ये तो बता दिए, अब रह गई आपकी ये वायर। ये तो मैंने पीली और ब्लैक एंड रेड बता दिया है कि पीली जो हमारी होती है ACC की वायर होती है, और ये 12 वोल्ट की सप्लाई होती है, एंड ये जो होती है हमारी ग्राउंड की सप्लाई होती है। अब हम आते हैं इस पर। तो इस पर जैसे कि मेंशन करा हुआ है कि कौन कौन सी क्या क्या वायर होती है, ये हमारी जो है पिंक कलर की वायर। ज़्यादातर हमारा क्या होता है कि जब हम कैमरा सेट करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हमारी कैमरे की वायर कौन सी है, रिवर्स वायर कौन सी है। तो इस पर ये देखो आप लिखा होगा बैक, तो किसी वायर पे आपका रिवर्स लिखा होगा, किसी वायर पे बैक लिखा होगा। तो इस पर बैक लिखा हुआ है, ये जैसे ही मैं दिखा दूँ आपको, ये ब्लैक कलर की है। ये जो ब्लैक कलर की वायर है, इसके जस्ट साइड में रेड कलर की वायर है, और इसके जस्ट साइड में थर्ड नंबर पे जो है ये पिंक कलर की वायर है। अभी तो इसमें पिंक कलर की वायर है, किसी किसी में क्या होता है कि आपका ब्राउन कलर का वायर भी होगा। तो ये जो पिंक थर्ड नंबर पे होती है रेड के साइड में, यही आपका रिवर्स की वायर होती है, चाहे वो पिंक हो या कोई सी भी कलर का हो, आपका रिवर्स का वायर यही होता है। अब और इसमें ये जो दो वायरें होती है, एक मैं ये दिखाता हूँ आपको, इस पर लिखा भी है Key 1 एंड Key 2। Key 1 Key 2 ज़्यादातर स्टेयरिंग में हमारा काम आता है, जैसे स्टेयरिंग के जो बटन होते हैं उससे मैच करने का काम आता है। इसके अलावा जैसे जो एंड्रॉयड के सेट होते हैं, एंड्रॉयड के सेट में क्या होता है कि हमें रीसेट करना होता है या अपडेट करना होता है, या उसमें सेट दुख जाता कहीं कहीं, तो हमें उसको रिफ्रेश करना होता है सेट को। तो उस टाइम पे भी ये Key 1 एंड Key 2 की वायर काम आती है। एंड ये हमारा आ गया एक, ये जो है ये ब्लू कलर की वायर है, ऑटो एंड लिखा हुआ है। ऑटो एंड यानी कि एंटीने की वायर होती है ये। और ये जो मैं, ये ऑरेंज कलर की जो वायर दिख रही है, ये जो वायर है ये लैंप कंट्रोल की वायर होती है, जो आपका लाइट होती है, लाइट को कंट्रोल करती है ये। तो ये तो विदाउट कनेक्टर वायर है, ओनली इसमें ये कनेक्टर लगा हुआ है आपकी। मैं कहाँ लगेगा मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पास दूसरा सेट है, जस्ट इसके पीछे मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो है ये जो जैक बना हुआ है पावर का, ये पावर यहाँ पे लिखा भी है, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, पावर यहाँ पे लिखा भी है। जस्ट ये जो केबल होती है यहाँ लग जाती है, लगने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है इसके इधर के साइड जो वायरिंग होती है इसमें कनेक्टर लगाने का, जो गाड़ी का कनेक्टर होता है, कुछ इस टाइप का होता है। ये देखिए, ये मैंने पीछे की साइड लगा दिया ये कनेक्टर वायर। एंड ये फिर बड़ा कपलर होता है जो कि गाड़ी में कनेक्ट होता है, एंड ये पावर का होता है,
जो कि पावर का बैटरी से जो पावर आती है उसमें कनेक्ट होता है, एंड गाड़ी की जहाँ चाबी लगती है स्टेयरिंग की साइड में, वहाँ से भी कुछ वायरें आती है जो कि इसमें कनेक्ट होती है, जिससे कि हमारा स्टेयरिंग और सिस्टम चलता है। और मैं आपके सामने ये बताने वाला था कि ये जो कैमरा है ये जीविल का कैमरा है एंड 2-in-1 कैमरा है। 2-in-1 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दो काम करता है, जैसे कि ज़्यादातर केस में क्या होता है कि आप फ्रंट कैमरा अलग लगाते हैं एंड बैक कैमरा अलग लगाते हैं, बट ये दोनों का काम कर जाता है, और आगे भी इसको लगा सकते हैं एंड पीछे भी लगा सकते हैं, बट ये नहीं कि एक ही कैमरा दोनों साइड लग जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। बट इसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो कैमरे आ रहे हैं आजकल जो आप पीछे लगाते हैं रियर की साइड, तो रियर वाला कैमरा आप फ्रंट में नहीं लगा सकते, अगर फ्रंट में लगाएंगे तो आपका व्यू जो होगा वो लेफ़्ट एंड राइट दिखेगा। बट इसमें क्या है कि आप इसको फ्रंट में भी लगा सकते हैं एंड बैक में ही लगा सकते हैं, और इसका लगाने का जो तरीका है सेम ही प्रोसेस है जैसे कि ये पीले की वायर है और ये रेड वायर है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो दो वायर निकली हुई है मेन इसी का ही सब कुछ है, जिसकी वजह से इसको हम फ्रंट एंड बैक में यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लगता है। पहले मैं आपको बैक का दिखाता हूँ कि बैक में कैसे कनेक्शन होगा और क्या इसका तरीका लगाने का। ये मेरे सामने एक छोटी कनेक्टर है एंड ये 5 मीटर की वायर है एंड ये आउटपुट है। इसको मैं लगा के दिखाता हूँ कैसे लगेगा। ये मेरे सामने 9216 सेट है और इसमें मैंने ये पीछे की साइड ये लगा दिया कैमरे की वायर। ये पीछे मैंने वायर लगा दिया और ये मेरे सामने कैमरा है। कैमरे को मैं ऐसे रख लेता हूँ ये, और ये जो पीछे से वायर आई हुई है 5 मीटर की, इसमें मैंने ये येलो कलर की वायर लगा दी है और इसमें मैं ये लगाता हूँ 12 वोल्ट की सप्लाई। इसके 12 वोल्ट की सप्लाई लगा दिया मैंने और ये लगा दिया है कैमरा, ये चल चुका है। और इसमें अभी रिवर्स वायर लगानी है, रिवर्स की वायर मैं दिखाता हूँ कौन सी होती है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये जो 3rd नंबर की वायर होती है ये ब्लैक है, रेड है एंड ये पिंक है। ये पिंक वाली जो वायर होती है ये हमारी रिवर्स की वायर होती है। पिंक वाली नहीं कह सकते हम इसको, ऐसे कह सकते हैं 1st, 2nd, 3rd नंबर की वायर होती है, रिवर्स की होती है, बेसिक कलर कोई सा भी हो। इसको मैं 12 वोल्ट में मैं लगा देता हूँ और मैं इसको कैमरे का आपका व्यू दिखाता हूँ कैसा होता है। ये देखिए, ये कैमरे का व्यू आ गया। तो ये गाड़ी में ऐसे लगेगा, ये इस टाइप का ये मैंने लगा दिया है, मतलब ये दिख रहा है आपको। तो ये कुछ इसी टाइप का लगता है जैसे इसमें लगा हुआ है। अब गाड़ी में क्या होता है, गाड़ी में पीछे की साइड आप इसको ये इसमें पेच कस के आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। मैंने स्क्रीन बंद कर दी है क्योंकि इसमें ब्लर दिखेगा। ये देखिए, अब इसमें क्या है कि अभी आपकी पार्किंग वाली लाइन नहीं आ रही, तो ये जो दो वायर मैंने दिखाया था आपको, ये दोनों वायर एक्चुअल में काम क्या करता है कि पार्किंग की जो लाइन होती है उसी का काम करता है ये। जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो ग्रीन वाली वायर है, जब आप बैक कैमरा लगाएंगे रिवर्स साइड में, तब आपको ये कनेक्टर तो ये लगाने हैं सारी वायरिंग, साथ में इसको ये वाली वायर आपको कट करनी होती है। ओनली रियर कैमरा लगाना हो तो ये, जैसे मैंने ये जैसे मैंने कट करी है ग्रीन वाली वायर, ग्रीन वायर मैंने जैसे कट करी है, तो ये पार्किंग वाली लाइन आ गई है। रियर वाले कैमरे में पार्किंग लाइन तो होती है, बट इस वाले में क्या है कि जब तक आप ये वायर कट नहीं करेंगे तो आपकी पार्किंग की लाइन नहीं आएगी। तो ये तो आपका रियर वाले केस में हो गया। अगर आप इसको फ्रंट में लगाते हैं तो फ्रंट में क्या होता है कि आपको ये काटनी नहीं होती है ग्रीन वाली वायर,
आपको इसकी जगह काटनी होती है वाइट वायर। तो वाइट वायर क्यों काटनी पड़ेगी इसका मैं रीज़न भी बता देता हूँ आपको। ऐसे मैं इसको अभी ज्वाइंट कर देता हूँ। अब मैं आपको फ्रंट व्यू चला के दिखाता हूँ कि फ्रंट व्यू कैसे चलेगा। ये फ्रंट व्यू चलाने के लिए क्या है कि ये जो आपकी 5 पिन की वायर होती है ये वाली, इसमें येलो कलर की 2 वायरिंग होती है। तो ये 2 वायर है, इसमें एक होता है वीडियो आउट का, एक होता है वीडियो इन का। तो ये जो CBS इन करके है ना, ये हमारा कैमरे वाली वायर होती है ओनली फ्रंट के लिए। तो 5 मिनट की जो वायर है मैं इसको इसमें लगा दूँगा। और ये मैं दिवस का वायर हटा देता हूँ। तो ये मैंने फ्रंट का कनेक्शन कर दिया है। अब सेम वही प्रोसेस है, 5 पिन की जो वायर होती है उसमें हमें ये वाली वायर लगानी होती है 4 मीटर की, एंड उससे जो वायर आती है वो कैमरे में लगी होती है और ये 12 वोल्ट की सप्लाई होती है और ये मेरा कैमरा है। तो अब फ्रंट में तो मैंने लगा दिया, अब उसको कैमरा चला के दिखाता हूँ। कैमरा चलाने के लिए आपको ऑक्स पे आना पड़ेगा। ऑक्स पे जैसे ही आएंगे तो ये मेरा जो व्यू है ये देखिए ये दिख रहा है ऐसा। फ्रंट का कैमरा लगाने के लिए आपको दोनों में से कोई सी तार नहीं काटनी है। अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि आपको वाइट वाली वायर काटनी होती है, बट ऐसा नहीं है। फ्रंट कैमरा चलाने के लिए आपको दोनों में से कोई सी तार काटनी नहीं है, आपको डायरेक्ट लगा देना है। कैमरा कुछ इस टाइप का लगेगा, जैसे ही मैं दिखा रहा हूँ आपको ऐसे लगेगा आगे की तरफ, ये दोनों पेच कस जाएंगे ये आगे से। बट आपको रियर चलाना होगा तो रियर के केस में क्या होगा, आपको ये भी वायरिंग काटनी होगी, ये भी काटना होगा, ये दोनों काट के आपको लगाना होगा। और जो कैमरे का कनेक्शन है वो 5 पिन में ना करके एक सिंगल वायर जो आती है उसमें आपको करना होगा। तो ये 2-in-1 कैमरा है, इसमें यही जो प्रोसेसर जो मैंने दिखाया आपको। ज़्यादातर केस में क्या होता है कि समझ में नहीं आता कस्टमर को, कस्टमर सोचते हैं कि कैसे इसकी सेटिंग होगी, बट इसकी सेटिंग नहीं होती, सारी सेटिंग प्रोसेस यही दोनों तारे हैं। क्योंकि काटने के बाद आप इसको रियर बना सकते हैं और अगर जॉइंट रहेगा तो आप इसको फ्रंट बना सकते हैं। वैसे ये फ्रंट कैमरा है, इसको आप रियर कैमरा बना सकते हैं, इसीलिए इसको 2-in-1 कहते हैं।